कोई भी कलर्ड शीट लीजिए, उसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक पेंसिल से डिज़ाइन बनाइए और सीज़र की सहायता से, कैंची से। लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई चीज़ कट करें बड़ों की हेल्प से करें। तो ये आपको यहाँ ऐसे कट करवा लेना है। ये कट हो गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी साइज़ लेकर एक वाइट पेपर पर भी एक सर्कल काटेंगे और यहाँ इसी साइज़ का हम लोग अंदर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये पेस्ट हो गया है। इसके बाद जो मैंने आपको स्ट्रिप कट करनी सिखाई थी वो हम कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए एक ऊपर और एक नीचे। और ज़रूरी नहीं है कि जो डिज़ाइंस मैं आपको सिखा रही हूँ वही बनाएं। आप अपना माइंड भी यूज़ करें। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसको जल्दी जल्दी बनाएं और अपने टीचर्स को उसकी फ़ोटो भेजें। अभी रियल में तो हम दे नहीं सकते हैं ना। इस तरह से ये भी फ्लावर मैंने कट करने सिखा रखे हैं। अगर आपसे ये भी कट नहीं होते हैं तो आप कोई भी फ्लावर ऐसे कट करके पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए दिस इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे जब भी कोई चीज़ कट करवानी हो बड़ों के सामने कट करें, बड़ों के साथ मिलकर करें। और इस तरह से हमारा ये ग्रीटिंग भी रेडी है। वन मोर डिज़ाइन, एक डिज़ाइन और तैयार हो गया है। तो देखा बच्चों 10 मिनट के अंदर मैंने आपको दो डिज़ाइन सिखाए हैं। इसी तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर भी लिखेंगे हम हैप्पी टीचर्स डे। बच्चों को और साथ ही साथ उन सभी प्यारे बच्चों के टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। याद रहे गुरु सबसे बड़ा होता है। अपने टीचर्स को अपने मन में, अपने विचारों में एक ऊंचा स्थान दें। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में हम कभी भी फेल नहीं होंगे और सफलता की सीढ़ियों को जीवन भर पाते जाएंगे। इस तरह से हमने टीचर्स डे पे दो ग्रीटिंग कार्ड बनाने सीखे हैं। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा ये ज़रूर बताइएगा। इसमें से बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। अगर ये नहीं बन पाते हैं कोई भी एक ग्रीटिंग कार्ड बनाइए और मुझे भी भेजिए। थैंक यू।